अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। क्या कुछ विषय है जो हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में सिविल लाइन थाने पर पहुंचे? नौसराबाद रोड पे से एक सूचना आई थी हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से, ये इंदर दरबार के माध्यम से, कि वहाँ जो सरकारी स्कूल के समीप में ब्लड और गाय काटी गई है, ये सब पता चला है। पुलिस को खबर दी तो पुलिस की सूचना, पुलिस आई तो वहाँ से ब्लड का सैंपल और गोबर का सैंपल लेके पुलिस लैब के लिए जांच के लिए लिया। और वहीं उसी क्षेत्र में कई शादियाँ चल रही 2-3 मुस्लिम परिवारों में, तो उनके यहाँ पे क्या बना है तो उसके भी सैंपल लिए हैं और वो सैंपल हैदराबाद के लिए जाएंगे। हैदराबाद से जाँच आई उसके बाद में वो पता चलेगा कि गाय है कि पाड़ा है कि केड़ा है, फिर वो आगे का आपको क्या जानकारी लगी थी वहाँ से? हमारे को तो जो हमारे साथ जो लड़कियों ने जो जिनके घर पे गाय है तो उन्होंने बताया ये गाय की गोबर है और ये गाय ही तो किसी आस पास में किसी से गाय से सूचना मिली। एक दो परिवारों ने बोला कि यहाँ पे एक गाय और एक बच्चा 2-3 दिन से मतलब गाय पर मिल नहीं रहा, ये बताया उसका मालिक आया है कि मालिक ने हमारी गाय थी वो मोहल्ले में घूमती थी। अच्छा, अभी आपके क्या बात हुई साहब से? बात हुई सैंपल जाएंगे वहाँ से, लेब से टेस्ट होके आएंगे जिसमें अपने पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, फिर उसके आगे कार्रवाई होगी। आपका नाम और पता? मेरा नाम रमेश कौशल है, बिश्नपुर जिला गोरक्षा प्रमुख। कॉलोनी से कोई गोहत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ मामला था? हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में पहुंचे थे, आप भी पहुंचे सिविल लाइन थाना? सिविल लाइन क्षेत्र की घटना है, नौशेराबाद कॉलोनी के पास जो सरकारी स्कूल उसके पास में ग्राउंड पर जो है वो सूचना मिली थी। संबंध में तस्दीक हेतु थाना BNP निरीक्षक अमित सोलंकी वहाँ पहुँचे थे, साथ में सिविल लाइन की भी टीम थी और मौके से जो ब्लड स्टेन है वो और गोबर ये सीज किया है और परीक्षण पश्चात ही जो है ना आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर वहाँ पे कोई 2-3 युवा समारोह भी था, वहाँ से भी कोई सैंपल जब्त किए? और सैंपल जब्त किए गए हैं और परीक्षण पश्चात जो है ना उसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। सर ये सैंपल कहाँ जाएंगे और उसको लेकर FSL जाएंगे सैंपल, और फिर जाँच के बाद जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर।